इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजत और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी सात्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई अगर परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, मनुष्यों को वर्तमान में ये सोचना आवश्यक है कि मैंने कितना घटाया ना कि कितना बढ़ाया। बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रति समय व्यक्ति अपने धन दौलत नाम शौहरत आदि सबको बढ़ा ही रहा है, पर इन सब के बढ़ने के साथ साथ कभी जीवन में ये भी विचार करने की आवश्यकता है मेरे जीवन में कषाय कितनी घट रही है। मेरा राग द्वेष, मेरा छल कपट, मेरे विपरीत परिणाम कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, इसके बारे में भी कभी व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता। क्योंकि यह सत्य है, कितनी ही धन दौलत पैसा नाम शोहरत जो चाहे तुम कमा लेना, पर उससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। अगर किंचित भी भीतर राग द्वेष की और कसाय की गांठ बैठी है तो ध्यान रखना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा धर्म किसी भी प्रकार से सार्थक हो ही नहीं सकता। और शायद आज तक यही भूल अनिल जी लोगों ने की कि बाहर का सब पुरुषार्थ करते हुए बढ़ते 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 हुए तो दिख गए, जनसंख्या बढ़ गई, आदमी बढ़ गए, धन दौलत नाम शोहरत बिल्डिंग सब बढ़ गई, पर कसाय कितनी घटी। मैं तो कहता हूँ जितने बाहर के साधन बढ़ रहे हैं आज व्यक्ति की कसाय भी दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है। थोड़ा सा धन संपत्ति रूपी साधनों को जुटाने में वह सफल क्या हो जाता है, उसे यही लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, मैं बहुत बड़ा दान दे रहा हूँ। नहीं, अगर किसी भी प्रकार से मान माया लोभ क्रोध इन कसाय नौ कसाय की भी परिणति आपकी बढ़ रही है तो विश्वास मानना आपका धर्म करना आपका ज्ञान प्राप्त करना सार्थक नहीं है। सबसे पहली चोट व्यक्ति को अपने भीतर बैठे हुए उस मोह पर करनी होगी, राग द्वेष पर करनी होगी, कसायों पर करनी होगी। इसलिए जीवन में एक बार कम से कम ये सोचे मैंने कितना घटाया, मैंने कितना अपनी कसायों को कम करने का प्रयास किया, क्योंकि जितनी कसायों की अधिकता होगी उतना उतना ही तुम्हारा संसार दीर्घ होगा। बढ़ाने के लिए तो हर कोई माँ प्रयास करता है, आप भी करते ना, घर की सामग्री बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, बढ़ाने का तो प्रयास किया, पर एकाध बार कभी हमने अपने कसायों को घटाने का प्रयास किया? नहीं किया। हर स्थान पर हम छल कपट मायाचारी, आज तो व्यक्ति देव सास गुरु को भी छल कपट से ठगने के लिए नहीं छोड़ता। क्या करे, जितनी राजनीति राजनीति में नहीं होती गोधा जी, उससे कई अधिक राजनीति धर्म में, मंदिरों में और देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में होती है। मिलेगा फल,
मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो फल अवश्य अवश्य जीवों को मिलेगा। जो चाहे जितनी चाहे राजनीति खेल ले, जितनी चाहे कसाय की परिणति करते हुए एक के राग में दूसरे से द्वेष कर ले, आज नहीं तो कल फल मिलेगा। जीव पुण्य के उदय में देवेंद्र जी समझ नहीं पाता हम किसके साथ राजनीति और किसके साथ छल कपट कर रहे हैं, पर जब कर्म उदय में आता है ना, तो ना भगवान बचाने आ सकता है, ना गुरु बचाने आ सकता है। क्या करें क्या करें? जीव दिखावे के लिए समाज में मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मेरी प्रशंसा हो जाए, दूसरे मेरी बुराई ना करे, इसलिए तो दिखावा करने के लिए बहुत सारे कार्य तो कर लेते। पर ध्यान रखना मोदी जी, आपने भी श्रीफल चढ़ाया ना, ऐसे तो श्रीफल चढ़ाने वाले बहुत सारे आते, सुबह शाम दोपहर दिन रात में श्रीफल चढ़ाते हैं। अनिल जी आपने भी चढ़ाया, बहुत सारों ने श्रीफल चढ़ाया, तो श्रीफल तो 15 रुपये का था, चढ़ाया हम फ्री। पर तुम श्रीफल चढ़ाते समय भीतर के भाव क्या थे, ये भी थोड़ा सा सोचने का विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर जो तुम कर्मों का आश्रय करोगे जिनेन्द्र जी, वह निधत्ति निकाचित रूप फलीभूत होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसे तुम्हारे कर्मों को बदल दे। थोड़ा सा कार्य करने से पहले व्यक्ति विचार करे, हम किसके साथ छल कपट कर रहे हैं, हम किसके साथ कौन से स्थान पर राजनीति कर रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र विवेक के अभाव में व्यक्ति सब कुछ कर बैठता है, फिर पछताने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। महिपाल जी श्रीफल चढ़ा लेना बहुत आसान है, मंदिर की तरफ से दुनिया को ये पता चल जाए कि महिपाल जी ने श्रीफल चढ़ाया है, दुनिया क्योंकि फिर टोकेगी, आपने तो निवेदन किया ही नहीं मंदिर के लिए। पर भीतर तो यही भाव होते हैं कि भगवान करे महाराज आए नहीं, पर दुनिया के सामने यही दिखाया जाता है कि फिर कैसे तुमने श्रीफल नहीं चढ़ाया, इतने बगल में महाराज आए और तुमने निवेदन नहीं किया। किसके साथ छल कपट, किसके साथ छल कपट? अपना अपने कसाय के घटाने के लिए धर्म कर रहे हैं, कसायों को मिटाने के लिए माँ पर्युषण होता है, कसायों को बढ़ाने के लिए नहीं होता। पर क्या करें, पर क्या करें? जीव यहाँ मात्र कहने के लिए समझ पा रहा है, पर सत्यता को जीवन में उतार नहीं पा रहा है, उतार नहीं पा रहा है। एक के राग में जो दूसरों से द्वेष करने की परिणति चल रही है, वह नियम से जीव को आज नहीं तो कल फलीभूत होके रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी। फल मिले आज नहीं मिले, पर कर्म किसी के साथ छल कपट नहीं करते, नहीं करते। एक इंसान तो छल कपट कर सकता है, पर कर्म पुद्गल होने के बाद भी, जड़ होने के बाद भी वो धोखाधड़ी नहीं करते, एक इंसान और एक धर्मात्मा का भेष धारण करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से। धर्मात्मा का तो भेष बनकर वह कमेटी के तो मेंबर बन जाते हैं मोदी जी, पर प्रमोद जी मात्र नाम प्रशंसा अपनी इमेज बनाने के लिए अगर तुमने समाज को छल कपट के साथ कोई भी कार्य किया है, भले ही पुण्य के उदय से अगली बार पुनः तुम चुनाव जीत के आ जाओ, पर ध्यान रखना भगवान के दर पर देर है पर अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। फिर बिलखने के अलावा ज्ञानियों जीवन में कुछ भी मिलेगा नहीं। पल पल जो तुम्हारा आत्र रौद्र ध्यान चल रहा है, ये मात्र तुम्हारे विपरीत परिणाम और परिणति के कारण चल रहा है। क्यों संसार में मां भटकना पड़ा? भगवान ने भटकाया? गुरु ने भटकाया? जिनवाणी ने? नहीं, देव सास गुरु को तुम्हारी भटकन से बचाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। पर क्या करे, पर क्या करे? समझ में उसे ही आता है, समझ में पाटनी उसे ही आता है जिसके पास समझ होती है। जिसने सोच के ही रखा है हमें समझना ही नहीं है, वो हर काम में हर बात में कोई ना कोई मीन मेक निकालता है, ये कमी वो कमी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ले दे के बाद तुम पर डाल दे और हम खुश, हम फ्री,
हमने तो अपना काम कर लिया, अब क्या करें, आप ही ने महाराज समय नहीं दिया इसलिए हम पीछे हो गए। कर लो, फल फल मिलेगा, फल मिलेगा। प्रमोद जी कितना ही मुस्करा लो, कितना ही मुस्कुरा लो, पर फल कर्मों का मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। समाज को पता चले नहीं चले आज, पर आने वाले समय में पता चलेगा। और फिर बहुत अच्छी प्रशंसा कर्मों का उदय आने पर, कर्म भी करेंगे और फिर समाज तो समाज ही है, क्या करें क्या करें। जीव समझ नहीं पा रहा है, बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में अपनी कषायों को भी बढ़ा रहा है, जबकि धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाते समय हमें अपनी कषायों का विसर्जन करना था। पर आज धर्म की क्रिया भी, धर्म के आयोजन भी व्यक्ति मात्र और मात्र अपने कषाय की पुष्टि के लिए करता है, मात्र कषाय की पुष्टि के लिए कर रहा है। और माँ, ये कषाय के पुष्टि के लिए किया हुआ धर्म आपका कभी भी पुण्य रूप फलीभूत नहीं होगा, कभी भी पुण्य रूप फलीभूत नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। संदीप भाई के गुरु के सामने पहुंचकर संकल्प ना करो, और किया है ना तो फिर उसे पूर्ण करने का प्रयास भी करो। मैं तो कहता हूँ मत करो, मत करो, पर माँ आगे कुछ पीछे कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि पुनः पुनः कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं, ये तुम्हारा विषय कषायों का अभ्यास ही तुम्हें संसार में रुला रहा है, दूसरा कोई निमित्त नहीं, दूसरा कोई निमित्त नहीं है। कषायों का तो इतना 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 अभ्यास हो चुका है, उतना ज्ञानाभ्यास किया, उतना अपनी कषायों को घटाने का पुरुषार्थ किया, नहीं किया। मानता हूं पंचम काल में कषाय का पूर्ण रूप से विसर्जन हो नहीं सकता, पर हम घटाने का प्रयास भी नहीं कर सकते, कुछ अंशों में उसे कम करने का भी प्रयास नहीं कर सकते। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि हमने आज तक कषायों को, राग द्वेष को कम करने का प्रयास किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। मात्र मेरी अज्ञानता ही, मेरी अज्ञानता ही दुख दे रही है। जानते हैं पर शब्दों में जानते हैं, उसका फल अभी तक अनुभूत नहीं किया है, इसलिए मेरी वह अज्ञानता पुनः पुनः मुझे दुख, कष्ट, परेशानी और इस संसार में परिभ्रमण के लिए निमित्त बन रही है। आगम को मात्र शब्दों में पढ़ने से काम नहीं होगा, उसे प्रैक्टिकली जीवन में समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, पर वह ज्ञान जब तक मोह के साथ है, मिथ्यात के साथ है, उस ज्ञान को अज्ञान ही कहा। एक एकेंद्रीय जीव, एक सूक्ष्म निगोदिया जीव के पास भी ज्ञान है, पर ज्ञान की सत्ता की अपेक्षा से भले ही वो ज्ञानी है, पर ज्ञान का जो विपरीत प्रयोग कर रहा है, कषायों की पुष्टि के लिए, राग द्वेष के लिए प्रयोग कर रहा है, उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह नियम से अज्ञान है। उस अज्ञान का तो बहुत अभ्यास है, माँ है कि नहीं, सिखाना पड़ती है मायाचारी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं, गुस्सा करना, झूठ बोलना, पाप करना, नहीं सिखाना पड़ता, नहीं सिखाना पड़ता, नहीं सिखाना पड़ता, पर कहना पड़ता है इनको छोड़कर आप श्रेष्ठ कार्यों में लग जाओ, धर्म करो, ये सिखाना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। क्या करें, क्या करें, इतनी आदत, इतनी आदत, इतनी आदत हमें हो चुकी है इन कषायों की, इन विषयों की, इन पापों की, कि व्यक्ति आज इससे ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं करता है, प्रयास ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता। ये कब तक कहते रहेंगे, ये कब तक बुखारिया जी कहते रहेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होगा। कभी ना कभी तो अभ्यास करना होगा, कभी ना कभी तो अभ्यास करना होगा। क्या बचपन से ही आप दुकान चलाना, व्यापार करना या टीचरगिरी करना सीख गए थे, सीखे थे नहीं, फिर पहली बार गए थे और जब रिटायर्ड होकर आए, उन दोनों समय में अंतर था कि नहीं, किसने सिखाया, किसने सिखाया,
आप ही अभ्यास करते गए, अभ्यास करते गए, अभ्यास करते गए, जितना जितना अपने पढ़ाने का अभ्यास किया उतना उतना विशेष ज्ञान आपने, अनुभव आपने प्राप्त किया और उतना ही आपका जीवन अच्छा हुआ। यही सत्यता है, यही सत्यता है आज के समय की, यही सत्यता है आज के हमारे जीवन की। पर व्यक्ति सत्य को जानना ही नहीं चाहता, व्यक्ति सत्य को जानना ही नहीं चाहता और इसी कारण से इस संसार में पुनः पुनः दुखों में और चतुर्गति में भ्रमण करते हुए भटक रहा है। मात्र शब्दों में तो पढ़ लिया माँ, छड़ाला में तो पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने, छड़ाला तो पढ़ ली ना आप लोगों ने, ज्ञान समान न आन जगत में हैं, जोर से बोलो, दुख को कारण, माँ कह रही दुख को कारण। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वे कहते बहुत अच्छा है, हम जानते नहीं है सो, अनजाने में पाप करो सो कम लगे और जान के करे सो, इसलिए हम जानते ही नहीं, ना हमें प्रवचन सुनना है ना स्वाध्याय करना है, जो कर रहे हम पापों में मस्त है, कम से कम अनजाने में तो पाप कम लग रहा है, ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, अज्ञान नाम का बहुत बड़ा मिथ्यात है और तुम मिथ्यात में डूबे हो। वो कम से कम ज्ञान सम्यक प्राप्त कर चुका है, वह तज्जन्य कर्मों के संवर को तो प्राप्त कर रहा है, तू तो मिथ्यात ही डूबा है। विचार करो, विचार करो, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण, सुख का अगर कोई कारण है, सच्चे सुख का कोई कारण है तो वह ज्ञान है। अरे घर में भी देख लेना, कोई वस्तु कोई सामग्री आपको नहीं मिल रही है, कितनी कितनी बेचैनी होती है, 50-100 रुपए की नोट भी जो रात में आपने जेब में रखी थी और सुबह उठकर आपने पुनः शर्ट पहना, पता चला जेब में नोट नहीं है, तो कितना उथल पुथल होता है, कहाँ चली गई, कौन ले गया, किसने ले गया, और आधे घंटे बाद बेटे की माँ ने कह दिया वो सब्जी वाले को देने थे सो मैंने निकाल लिए, जान में हाँ तुमने लिए थे ना, फिर कोई बात नहीं, जब तक अज्ञान दशा थी तब तक दुख था, कौन ले गया, कहाँ गए, घूम तो नहीं गए, चोरी तो नहीं हुए, कौन आया, कितने की बात थी, 100 रुपए की, 50 रुपए की, 50-100 भी नहीं कह रहा हूँ, 10 रुपए की भी नोट इधर उधर हो जाए, एक माँ चम्मच और एक ढक्कन इधर उधर हो जाए तो प्राण ऊपर नीचे होते, ढक्कन 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 पूरा ढक्कन ढक्कन में गया, पूरी चम्मच पूरी दिन भर पर रही, और कहीं तो चूहे ने वो पकड़ के बिल के पास ले गया था, और जैसे शाम को मिलती है यही तो पड़ी थी। सोचना विचार करना, एक छोटे से सामग्री की 5-10-50 रुपए के नोट की वह जब गुम जाती है नहीं मिलती है तो कितना दुख होता है, और जैसे ही मिल गई पता चल गया, मिल भी नहीं गई 10 रुपए की नोट पर पता चल गया कि किसी ने आपके ही घर में से किसी ने उठाई थी और उसने बता दिया, जान में जान आ गई, चलो आप ही नहीं उठाई थी ना, जब तक नहीं मिल रही थी, जब तक अज्ञान दशा थी तब तक भीतर दुख दुख और दुख था, कष्ट था, कौन ले गया, कहाँ गया, क्या गया, और जैसे ही ज्ञान हो गया, पता चल गया कि ये तो इसी के पास है, खुश सुख हो गया। यही सत्यता है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण। इसलिए पंडित जी को भी लिखना पड़ा, ये ज्ञान जैसा दूसरा कोई कोई साधन नहीं है जो तुम्हें सुख दे। पर ज्ञान मिलेगा कैसे, आसमान से, पेड़ से, दुकान से, ग्रंथों से, निर्ग्रंथों से, नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।